गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू फिजिकल एजुकेशन यूनिट 6। तो आज हम पढ़ेंगे रिवर राफ्टिंग के बारे में। रिवर राफ्टिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर एक्टिविटी ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। इट इज़ अ रियल थ्रिलिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंडेड बम्पिंग एंड स्वेलिंग ओवर द रशिंग वाटर स्पॉन्टेसली मेक्स रिवर राफ्टिंग अ थ्रिलिंग स्पोर्ट। इट इज़ ऑल्सो पॉपुलरली नो एज वाइट वाटर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग बिकेम पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट ड्यूरिंग द मिड 1970s। इट इज़ अ चैलेंजिंग स्पोर्ट। इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ अ राफ्ट फॉर नेविगेटिंग थॉट रिवर्स। देयर आर सीरियल राफ्टिंग कंपिटिशंस विच आर हेल्ड अराउंड द वर्ल्ड। रिवर राफ्टिंग प्रोवाइड्स अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग थॉट रफ एंड अल्टीमेट वाटर रश। The river rafting experience involves a complete detachment from the normal world. There are following grades of difficulty which indicate how demanding some parts of river may be. तो इसका मतलब यह है कि जो रिवर राफ्टिंग है वो एक साहसिक खेलों की प्रमुख गतिविधियों में से एक है, ठीक है। यह एक वास्तविक रोमांचकारी खेल गतिविधि है। दरअसल दौड़ते हुए पानी पर उछलते कूदते और तैरते हुए नदी एक रोमांचकारी खेल बन जाती है। इसे लोकप्रिय रूप से सफ़ेद पानी राफ्टिंग के रूप से भी जाना जाता है। 1970 के दशक के मध्य में रिवर राफ्टिंग लोकप्रिय साहसिक खेल बन गया था। यह एक चुनौतीपूर्ण खेल है। इसमें नदियों के माध्यम से नेविगेट करने के लिए एक बेड़ा का उपयोग शामिल है। कई राफ्टिंग प्रतियोगिता में जो दुनिया भर में आयोजित की जाती है, रिवर राफ्टिंग उबड़ खाबड़ और बेतरतीब पानी की भीड़ से गुजरने का रोमांचकारी अनुभव प्रदान करती है। रिवर राफ्टिंग के अनुभव में सामान्य दुनिया में पूरी टुकड़ी शामिल है। निम्नलिखित कठिनाई के ग्रेड हैं जो इंगित करते हैं कि नदी के कुछ रास्तों की मांग कैसी हो सकती है। तो ये सब रिवर राफ्टिंग में आता है। तो पहले आता है हमारा ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5 एंड ग्रेड 6। तो पहले हमारा आता है वेरी स्मॉल एरियाज, इजी वेव्स, मेनली फ्लैट वाटर, जनरली इट डज नॉट रिक्वायर्स एनी मैन्यूवरिंग, बिगनर्स कैन एंजॉय द टाइप ऑफ वाटर। ग्रेड टू में आता है सम रफ वाटर, देयर मे बी सम रॉक्स, इट मे रिक्वायर सम मैन्यूवरिंग। ग्रेड 3 में है देयर मे बी डिफिकल्ट पैसेजेस ड्यू टू बबल, द वाटर मे लुक वाइट, दिस टाइप ऑफ वाटर मे रिक्वायर सिग्निफिकेंट मैन्यूवरिंग इन द राफ्ट। At the level, superior experience and strong paddling skills are required. There may be large waves, there may be rocks, sharp maneuvers may be required. This grade should not be attempted without proper experience. It is extremely difficult level. There may be large waves. Volume of water may also be large. There may be large rocks. It needs very precious maneuvering. Only the participants with advanced experience should attempt it. At the grade or level, refers can expect to face hurricanes, waves. This level is very tough, which demands great physical and mental toughness. At this level, there may be injury or death. Successful completion of such level without serious injury or death is usually thought to be due to luck or extraordinary skill. तो हम ही देखते हैं कि जो रिवर राफ्टिंग होता है, तो रिवर राफ्टिंग में पहले हमारा आता है ग्रेड 1, जो बहुत छोटे क्षेत्र, आसन, लहरें, मुख्य रूप से सपाट पानी। आमतौर पर इसे किसी भी युद्धाभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है, नॉर्मल सी राफ्टिंग होती है, इसमें बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है। शुरुआती लोग इस प्रकार के पानी का आनंद ले सकते हैं, मतलब जिन्होंने कभी राफ्टिंग नहीं करी है। ग्रेड 2, कुछ खुदरे पानी, कुछ चट्टानें हो सकती हैं, इसके लिए कुछ अभ्यास की आवश्यकता हो सकती है। हमें एक युद्धाभ्यास की जो आवश्यकता हो सकती है। ग्रेड 3, कठिन मार्ग हो सकते हैं, बुलबुले के कारण पानी सफ़ेद लग सकता है। इस प्रकार के पानी को बेड़ा में महत्वपूर्ण पैतरेबाजी की आवश्यकता हो सकती है। इस स्तर पर पूर्व अनुभव और मजबूत पैंडलिंग कुशल की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है हमारा
ग्रेड फोर्थ। बड़ी तरंगे हो सकती है, चट्टानें हो सकती है, तीव्र युद्धाभ्यास की आवश्यकता हो सकती है, उचित अनुभवों के बिना इस ग्रेड का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी हाई लेवल का होता है। ग्रेड फाइव, यह अत्यंत कठिन स्तर है, बड़ी लहरें हो सकती है, पानी की मात्रा भी बड़ी हो सकती है, बड़ी चट्टानें हो सकती है, इसके लिए बहुत स्थिर पैतरेबाजी की जरूरत है, मतलब बहुत अव्वल होना, ये कहते हैं परफेक्ट होने की जरूरत है। केवल उन्नत अनुभव वाले प्रतिभागियों को इसका प्रयास करना चाहिए। ग्रेड सिक्स, इस ग्रेड या स्तर पर राफ्टर्स विशाल लहरों का सामना करने की उम्मीद कर सकते हैं। यह स्तर बहुत कठिन है जो महान शारीरिक और मानसिक दृढ़ता की मांग करता है। इस स्तर पर चोट या मृत्यु हो सकती है। गंभीर चोट या मृत्यु के बिना इस तरह के सफल स्तर को आमतौर पर भाग्य या असाधारण कौशल के कारण माना जा सकता है। मतलब ये जो सिक्स वाला है ग्रेड है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। उसके बाद आता है हमारा माउंटेनरिंग इन एन एडवेंचरस स्पोर्ट्स डेट कम्बाइन क्लाइंबिंग एंड हाइकिंग अप माउंटेन्स और माउंटेन टेरियंस। एन इंडिविजुअल वो विशेष टू गेट इन्वॉल्व इन द स्पोर्ट नीड्स टू हैव ट्रेमेंडियस एंड्योरेंस एजिलिटी स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस एंड स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर। इट मे इन्वॉल्व नॉर्मल रॉकी और स्नोई इन्वायरमेंट। देयर आर वेरियस रीजन वाई मोस्ट ऑफ द एंथुसिएस्टिक इंडिविजुअल्स टेक पार्ट इन माउंटेनरिंग। इन फैक्ट इट चैलेंज एंड इंडिविजुअल्स कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स। इन एडिशन टू दिस इट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट वे टू बी इन द लैप ऑफ नेचर। माउंटेनरिंग इन ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन एंड एक्सरसाइज। देयर इज नो डाउट दैट माउंटेनरिंग इज अ स्ट्रेनियस एंड डेंजरस एक्टिविटी, बट इवन then it is also thought that is a worth undertaking to experience the sight of rare and wonderful views after reaching the summit. There are three basic forms of climbing which depend on the track conditions. The first of them is rock climbing. This form of mountaineering involves rocky slopes. The next from the mountaineering in the snow and ice climbing. It is dangerous because it rocky and snow routes which make it the most difficult of the three. तो इसका मतलब यह है कि जो पर्वतारोहण एक साहसिक खेल है जो पर्वतों या पर्वतीय इलाकों में चढ़ाई और लंबी पैदल यात्रा को जोड़ती है। एक व्यक्ति जो इस खेल में शामिल होना चाहता है उसे जबरदस्त धीरज, चपलता, शक्ति अनुभव, मजबूत मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इसमें सामान्य चट्टानी या बर्फीले वातावरण शामिल हो सकते हैं। विभिन्न कारण है कि अधिकांश उत्साही व्यक्ति पर्वतारोहण में हिस्सा लेते हैं। वास्तव में यह एक व्यक्ति की क्षमताओं और कुशल को चुनौती देता है। इसके अतिरिक्त यह प्रकृति की गोद में रहने का एक शानदार तरीका भी है। पर्वतारोहण को विश्राम और व्यायाम के रूप में भी जाना जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पर्वतारोहण एक कठिन और खतरनाक गतिविधि है, लेकिन फिर भी यह सोचा जाता है कि शिखर पर पहुंचने के बाद दुर्लभ और अद्भुत दृश्यों का अनुभव करने के लिए यह मतलब बहुत अच्छा होता है। चढ़ाई के तीन मूल रूप हैं जो ट्रैक की स्थिति पर निर्भर करते हैं। उनमें से पहली चट्टान चढ़ाई है। पर्वतारोहण के इस रूप में चट्टानी ढलान शामिल है। पर्वतारोहण का अगला रूप बर्फ़ और बर्फ़ पर चढ़ना है। यह खतरनाक है क्योंकि इसमें ग्लेशियर वाले मार्ग शामिल हैं। पर्वतारोहण का तीसरा रूप चट्टानी और बर्फ दोनों मार्गों को जोड़ता है, जो इसे तीनों में सबसे कठिन मानते हैं। यह पर्वतारोहण में आता है।